अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज हम पंक्चुएशन मार्क की एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके पंक्चुएशन मार्क के बारे में तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और एग्जाम में पंक्चुएशन मार्क के बारे में पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। लास्ट वीडियो में हमने तमाम पंक्चुएशन मार्क्स को वन बाय वन डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। आज हम फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क की एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर पंक्चुएशन मार्क्स की एक्सरसाइज करेंगे। आप फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क की एक्सरसाइज को देखते हैं। ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाएंगे। किसी भी सेंटेंस को खत्म करने के लिए हम सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया होता तो फुल स्टॉप की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगाते, लेकिन यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है इसलिए इस सेंटेंस को खत्म करने के लिए हम लास्ट वर्ड फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है डू यू नो हिम। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, यानी कि सवाल पूछा गया है। जब सेंटेंस के शुरू में डू, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन वगैरह आएगा या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस की शुरू में लगाई जाएगी, तब हम सेंटेंस के आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्योंकि जब भी सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, डू और कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस के आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में सवाल पूछा गया है कि क्या तुम उसे जानते हो, डू आया है सेंटेंस के शुरू में, तो इस सेंटेंस के लास्ट पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई हैव गॉट अ जॉब इन WHO, मुझे WHO में नौकरी मिल गई है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया इसलिए सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हाई हैव यू बीन एब्सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। Why आया सेंटेंस के शुरू में, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप इतने अरसे से गैर हाजिर क्यों हैं? वैसे ही ये शो हो रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इस सेंटेंस के आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास होंगे। यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया, ये एक सिंपल सेंटेंस है तो इस सेंटेंस के आखिर पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, अगले साल कितने तलबा इम्तिहान देंगे। हाउ आया है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इस सेंटेंस के आखिर पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सलीम इज अ जीनियस, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये सिंपल सेंटेंस है ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इस सेंटेंस के आखिर पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है वाज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही थी, यानी कि सवाल पूछा गया है। जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस में भी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वाज सेंटेंस के शुरू में आया है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसके आखिर पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हाई इज शी क्राइंग, व्हाई आया है सेंटेंस के शुरू में। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि जब भी वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, डू वगैरह या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा सेंटेंस के शुरू में तब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सेंटेंस के लास्ट। यहाँ पर वाई आया है सेंटेंस के शुरू में तो इससे शो हो रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के लास्ट पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है शी स्माइल्ड हर रियर स्माइल, इस सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये सिंपल सेंटेंस है और इसके एंड पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आया है सेंटेंस के शुरू में यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसके लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर पंक्चुएशन मार्क्स की एक्सरसाइज करेंगे। आज की एक्सरसाइज के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।